हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन QCS। और QCS के आज के लेक्चर में मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस लेके आया हूँ पॉलीमर यूनिट से ही। और वो इम्पोर्टेंट डिफरेंस एक ही तरह के मोनोमर से बनने वाले दो पॉलीथीन के बारे में है, जिनको हम LDPE और HDPE के नाम से जानते हैं। मतलब आज हम इस लेक्चर के अंदर डिफरेंस करेंगे LDPE और HDPE, जिनकी फुल फॉर्म है लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जो कि बेसिकली आपके CBSE एग्जाम्स के अंदर डिफरेंस पूछ लिया जाता है या इससे रिलेटेड इंटरनली क्वेश्चंस नीट और जेई मेंस के एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। वो सारे क्वेश्चंस को मैं आज आपको इस लेक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस कराऊंगा, LDPE और HDPE से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस। राइट स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर कौन सी यूनिट से है? पॉलीमर यूनिट से ये लेक्चर है आपका। और इस लेक्चर के अंदर टॉपिक मैं लेके आया हूं आपके लिए डिफ्रेंसिएशन बिटवीन LDPE एंड HDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इनके डिफरेंस को मैं यहां पर क्लियर करता हूं। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है, वो लो डेंसिटी पॉलीथीन हमें ऑब्टेंड होती है इथीन मोनोमर से। कौन से मोनोमर से? इथीन मोनोमर से। और अगर मैं बात करूं हाई डेंसिटी पॉलीथीन की, तो उसमें भी मोनोमर क्या होगा? इथीन ही होगा। बट LDPE और HDPE दोनों को ऑब्टेंड करना या बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या है? अलग अलग है। दोनों में टेम्परेचर भी हम अलग अलग लेते हैं बनाने के लिए, प्रेशर भी हम अलग अलग लेते हैं दोनों में बनाने के लिए, और कैटलिस्ट भी यूज होता है LDPE को फॉर्म करने के लिए और HDPE को फॉर्म करने के लिए। तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है बेसिकली आपका? क्वेश्चन या तो बेसिकली इनको ऑब्टेंड करने के तरीके के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि हम LDPE को कैसे ऑब्टेंड करते हैं। LDPE मींस लो डेंसिटी पॉलीथीन को हम बनाते कैसे हैं या किससे ऑब्टेंड करते हैं। यही क्वेश्चन HDPE के बारे में भी आ सकता है, या वन मार्क्स में क्वेश्चन टेम्परेचर कितना लेते हैं हम LDPE को फॉर्म करते टाइम और HDPE को फॉर्म करते टाइम, या प्रेशर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रेशर कितना लेते हैं हम LDPE फॉर्म करते टाइम और HDPE फॉर्म करते टाइम, या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है LDPE और HDPE में कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको इस लेक्चर के अंदर देने वाला हूं। उससे पहले मैं LDPE और HDPE के कुछ बेसिक डिफरेंस है जो आपको इजीली चुटकियों में याद हो जाएंगे, मैं वो आपको अभी बता देता हूं। इन डिफरेंसेस को आप नोट कर लीजिएगा। बेसिकली ये डिफरेंस आपको अभी यहीं पर इसी लेक्चर को ध्यान से आप देखेंगे तो इसी लेक्चर में आप ये डिफरेंस लर्न भी कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस से। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने यहां पर फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा हुआ है लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसे हम LDPE भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन जिसे हम HDPE बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इन LDPE और HDPE, ये दोनों दिखते कैसे हैं या ये किस तरह की फॉर्मेशन में आपको मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है यहां पर, लो डेंसिटी पॉलीथीन्स जो होती हैं वो ब्रांच चेन पॉलीथीन्स होती हैं। मतलब वो ब्रांच में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और जब कोई चीज ब्रांच में कनेक्ट होती है ना स्टूडेंट्स, तो वो टाइटली पैक नहीं हो सकती। ये मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि यही पॉइंट आपको ये भी क्लियर कर रहा है आगे। ये कह रहा है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच चेन पॉलीथीन है, इसीलिए हैंस नॉट क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड स्टेट। ब्रांच का मतलब ये दो लेंथ है, इन दोनों लेंथ्स के बीच में ये ब्रांच आ गई। ये ब्रांच क्या काम करेगी? इन दोनों को टाइटली पैक होने नहीं देगी।
टाइटली पैक नहीं होने देगी, इसीलिए लो डेंसिटी पॉलिथीन सॉलिड स्टेट में नहीं मिलते, पैक नहीं हो पाते सॉलिड स्टेट में। कैसे नहीं पैक हो पाते? क्लोजली पैक नहीं हो पाते। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि लो डेंसिटी पॉलिथीन कैसे पॉलिथीन है, ब्रांच्ड चेन पॉलिथीन है, हैंस नॉट क्लोजली पैक्ड इन द सॉलिड स्टेट। बट अगर वही मैं डिफरेंस देखूं हाई डेंसिटी पॉलिथीन के बारे में, तो हाई डेंसिटी पॉलिथीन एक स्ट्रेट चेन पॉलिथीन है। जब कोई स्ट्रेट चेन पॉलिथीन होता है ना इस तरीके से, तो आज हम उनको सॉलिड स्टेट में क्लोजली पैक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई ब्रांचिंग ना होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ टाइटली पैक हो सकते हैं सॉलिड स्टेट में। वही डिफरेंस आप बता रहा है आपको, हेंस इट इज क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड स्टेट। पहला डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो लो डेंसिटी पॉलिथीन होते हैं वो लो डेंसिटी पॉलिथीन ब्रांच चेन पॉलिथीन होते हैं, मतलब उनके अंदर ब्रांचेज होती है, इसीलिए वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते सॉलिड स्टेट के अंदर। बट हाई डेंसिटी पॉलिथीन स्ट्रेट चेन पॉलिथीन होने की वजह से टाइटली पैक्ड हो जाते हैं कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। एक टाइटली पैक नहीं होता है और एक टाइटली पैक हो जाता है। तो नेक्स्ट आपका डिफरेंस क्या कहता है कि लो डेंसिटी पॉलिथीन की डेंसिटी तो लो होती है जैसा कि उनका नाम है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो ही होगा। बट इसी के डिफरेंस में अगर मैं बात करूं, हाई डेंसिटी पॉलिथीन की डेंसिटी हाई होगी, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं उनको ना हाई डेंसिटी पॉलिथीन, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हाई डेंसिटी पॉलिथीन है उनकी डेंसिटी हाई होने की वजह से प्लस टाइटली पैक्ड होने की वजह से सॉलिड स्टेट में ये टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं लो डेंसिटी पॉलिथीन की बात करूं तो उनकी डेंसिटी तो लो होती है मगर उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, क्योंकि वो ब्रांच चेन पॉलिथीन होते हैं और ब्रांच चेन पॉलिथीन सॉलिड स्टेट में टाइटली या क्लोजली पैक्ड नहीं हो सकते। तो दो डिफरेंस आपको यहां क्लियरली समझ में आ गए होंगे कि हाई डेंसिटी पॉलिथीन की डेंसिटी भी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, लो डेंसिटी पॉलिथीन की डेंसिटी भी लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, लो डेंसिटी पॉलिथीन ट्रांसपेरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट मतलब उनके आर पार आप देख सकते हैं। अगर लो डेंसिटी पॉलिथीन से कोई बोतल, जैसे स्क्वीज बोतल, मैं आगे आपको यूज बताऊंगा, वो बोतल्स अगर हम बनाते हैं तो उनके अंदर आप जो भी मैटर रखते हैं, जो भी सब्सटेंस रखते हैं, वो आपको आर पार दिख सकता है कि आपने उसके अंदर क्या सब्सटेंस रखा है, इसीलिए ये क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। कौन? एलडीपी। बोले तो लो डेंसिटी पॉलिथीन ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट हाई डेंसिटी पॉलिथीन ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब दो तरीके के होते हैं ये, एक तो इनके अंदर रखा हुआ सब्सटेंस आपको दिखाई नहीं देता है, दूसरा अगर आप इन पर कोई लाइट या कोई कलर रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये उस कलर को भी क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए हाई डेंसिटी पॉलिथीन्स क्या होती हैं, ट्रांसल्यूसेंट होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस अगर मैं बात करूं, मॉडरेट टेंसिल स्ट्रेंथ होती है इनकी। मॉडरेट टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब हमें इनके अंदर टेंसिल स्ट्रेंथ बनानी पड़ती है। ये हम पर डिपेंड कर रहा है कि जब हम लो डेंसिटी पॉलिथीन बनाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ हमें कितनी रखनी है। जैसा कि आप मार्केट्स के अंदर जाते हैं और वहां पर एक लीटर का पॉलीबैग लेते हैं या एक किलो का पॉलीबैग लेते हैं, तो उसके अंदर एक किलो स्ट्रेंथ का सब्सटेंस ही ले सकते हैं। अगर आपने उससे ज्यादा उसमें सब्सटेंस डाला तो वो क्या हो जाती है, फट जाती है। तो इनकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, मॉडरेट होती है।
और ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल भी होते हैं। लो डेंसिटी पॉलिथीन की मॉडरेट टेंसिल स्ट्रेंथ होती है और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। बट अगर मैं हाई डेंसिटी पॉलिथीन की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा ग्रेटर टफनेस, हार्डनेस भी बहुत ज्यादा होती है और टेंसिल स्ट्रेंथ भी इनकी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ये हम बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन एलडीपी एंड एचडीपी, जो कि आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। लो डेंसिटी पॉलिथीन की टेंसिल स्ट्रेंथ मॉडरेट होती है और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, बट हाई डेंसिटी पॉलिथीन जिसे हम एचडीपी बोले हैं, वो ग्रेटर टफनेस होती है, ग्रेटर हार्डनेस होती है और ग्रेटर टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट अगर मैं फिफ्थ डिफरेंस की बात करूं तो फिफ्थ डिफरेंस आता है इनका यूज। हम इनको कहां कहां यूज करते हैं? आप केचप वगैरह के लिए स्क्वीज बोटल्स यूज करते हैं। वो स्क्वीज बोटल्स क्यों बोल रहे हैं हम उनको? क्योंकि जब आप उसे प्रेशर करते हैं तो उसमें से मैटर निकलता है, प्रेशर छोड़ देते हैं तो वो मैटर नहीं निकलता, वो वापस उसी शेप में आ जाते हैं। तो मैं लो डेंसिटी पॉलिथीन की अगर बात करूं तो ये बनाने में यूज होती है। क्या? स्क्वीज बोटल्स को बनाने में। कुछ टॉयज होते हैं ना जिनको प्रेस करने से आवाज आती है, सीटी निकलने की या कई तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो इजीली क्या हो जाते हैं? स्क्वीज हो जाते हैं। वो इजीली, उन पर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं तो वो दब जाते हैं और फोर्स हटाते ही वो क्या हो जाते हैं? फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। इस तरह के टॉयज बनाने के काम आती है लो डेंसिटी पॉलिथीन। फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने के भी काम आती है लो डेंसिटी पॉलिथीन। और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स पर इंसुलेशन चढ़ते हैं वो इंसुलेशन भी हम किससे बनाते हैं? लो डेंसिटी पॉलिथीन से ही बनाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाई डेंसिटी पॉलिथीन को, क्योंकि उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ ग्रेटर होती है, हार्डनेस भी ग्रेटर होती है, टफनेस भी ग्रेटर होती है, इसीलिए हम उससे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ज्यादा दिनों तक चल सकें और इजीली ब्रेक ना हो पाए। जैसे हम उन्हें यूज करते हैं डस्टबिन्स बनाने के लिए, बकेट्स बनाने के लिए, जिनमें हम हैवी डेंसिटी वाले सब्सटेंस को रख सकें, पाइप्स बनाने के लिए, एंड कई तरह के टॉयज जो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, उन टॉयज को बनाने में भी हम क्या यूज करते हैं? एचडीपी यूज करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर के अंदर मैंने अभी तक आपसे जो बात की है वो ये है कि हमने यहां पर डिफरेंस किया है एलडीपी और एचडीपी के बीच में। एलडीपी की फुल फॉर्म लो डेंसिटी पॉलिथीन होती है और एचडीपी की फुल फॉर्म हाई डेंसिटी पॉलिथीन होती है, जिसमें मैंने आपको 5 डिफरेंसेस दिए हैं, जिन 5 डिफरेंसेस में एक लास्ट वाला जो डिफरेंस है वो इनके यूज का डिफरेंस है। आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर इनको अलग अलग यूजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राइट, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो लो डेंसिटी पॉलिथीन्स होती हैं ये केमिकली इनर्ट होती हैं। साथ ही अगर मैं हाई डेंसिटी पॉलिथीन्स की भी बात करूं तो ये भी क्या होती है? केमिकली इनर्ट होती हैं। मतलब ये दोनों की दोनों पॉलिथीन्स ऐसी पॉलिथीन्स हैं जिनमें अगर आप कोई सब्सटेंस रखते हैं या कोई केमिकल सब्सटेंस रखते हैं तो ये पॉलिथीन्स उस केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ उस केमिकल सब्सटेंस को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। इसका मतलब है कि लो डेंसिटी पॉलिथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलिथीन ये केमिकली क्या होती हैं? इनर्ट होती हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब मैं आपको साथ ही साथ एक बेसिक डिफरेंस और बता देता हूं लो डेंसिटी पॉलिथीन का एंड हाई डेंसिटी पॉलिथीन का, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे यहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड। आपको इस टॉपिक को फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली अगर मैं बात करूं
तो लो डेंसिटी पॉलिथीन एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाई जाती है। किसके थ्रू? एडिशन पॉलीमराइजेशन। और हाई डेंसिटी पॉलिथीन भी किसके थ्रू बनाई जाती है? एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये एक कॉमन क्वेश्चन है। अभी तक मैंने बात की डिफरेंसेस की, बट यहां पर सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन है ये कि इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी पहली कि दोनों के दोनों एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू या एडिशन पॉलीमराइजेशन मोड के थ्रू बनाए जाती हैं, चाहे वो एलडीपी हो चाहे वो एचडीपी हो। दूसरा कॉमन क्वेश्चन क्या है? इसके अंदर भी इथीन मोनोमर होता है। क्या होता है? इथीन मोनोमर। और इसके अंदर भी क्या होगा आपका? इथीन मोनोमर होगा। राइट स्टूडेंट्स, दोनों में मोनोमर भी क्या है? सेम ही है। तो ये हो गई दोनों की सिमिलरिटीज। बट अगर मैं बात करूं कि जब हम इनको बनाते हैं तो कौन सी मैकेनिज्म से बनाते हैं, इसको भी हम बनाते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और इसको भी हम बनाते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये हैं आपके नीट और जेईई मेंस वाले क्वेश्चंस। ध्यान से सुन लीजिए, एलडीपी को भी हम एडिशन पॉलीमराइजेशन मोड से बनाते हैं, एचडीपी को भी हम एडिशन पॉलीमराइजेशन मोड से बनाते हैं। दोनों में मोनोमर भी सेम होते हैं, यहां भी इथीन लेते हैं और यहां भी इथीन लेते हैं। दोनों की मैकेनिज्म भी सेम है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब मैं बात कर लेता हूं कि जब दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वाले मोनोमर से बनाए जाते हैं तो उस टाइम पर लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए जो हम टेम्परेचर यूज करते हैं, वो टेम्परेचर यूज करते हैं हम 350 केल्विन से लेकर के 570 केल्विन तक, राइट। बट अगर मैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करूं तो इसके लिए जो हम टेम्परेचर यूज करते हैं वो 333 केल्विन से लेकर के 343 केल्विन तक यूज करते हैं। मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन में हम ज्यादा टेम्परेचर यूज करते हैं और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में हम इसके कंपैरिजन में कम टेम्परेचर यूज करते हैं। अब बात आती है प्रेशर की, यहां भी और यहां भी प्रेशर कितना यूज करते हैं। अगर मैं लो डेंसिटी पॉलीथीन की बात करूं तो ध्यान से देखना बेटा, यहां पर 1000 से लेकर के 2000 एटीएम प्रेशर यूज करते हो आप। मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए प्रेशर 1000 एटीएम से लेकर के 2000 एटीएम तक यूज करते हो, और इसके लिए आप 6 to 7 एटमोस्फेरिक प्रेशर ही यूज किया जाता है। मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन में टेम्परेचर भी ज्यादा और प्रेशर भी ज्यादा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में टेम्परेचर भी कम और प्रेशर भी कम। अब बात कर लेते हम कैटलिस्ट की, यहां भी और यहां भी दोनों में हम कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन में हम डाइऑक्सीजन और परऑक्साइड कैटलिस्ट तो होता है हमारे पास डाइऑक्सीजन, और यहां परऑक्साइड हम यूज करते हैं। परऑक्साइड जो हम यूज करते हैं वो इनिशिएटर हो रहा है, होता है कैटलिस्ट का, इनिशिएटर ऑफ कैटलिस्ट, राइट। ये किसमें यूज करते हैं हम? एलडीपी के अंदर जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं बनाते टाइम, वो ट्रेसेस ऑफ डाइऑक्सीजन यूज करते हैं, और यहां परऑक्साइड इन ट्रेसेस ऑफ डाइऑक्सीजन को क्या करता है?
इनिशिएट कर देता है क्या बनाने के लिए, एलडीपी बनाने के लिए। बट अगर मैं एचडीपी की बात करूं तो यहां पर जो कैटालिस्ट है वो है जिग्लर-नाटा, जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है। अब आपसे पूछा जाए जिग्लर-नाटा कैटालिस्ट किसे कहते हैं, तो मैं बताऊं ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। ध्यान से देखिए, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड ट्राइथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इन दोनों से मिलकर के एक कैटलिस्ट बनता है, जिस कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट का ही है। आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपसे कई बार सिर्फ और सिर्फ जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट के बारे में ही पूछा जा सकता है कि जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला बताइए या उसका दूसरा नाम बताइए। तो मैं बता दूं, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये दोनों मिलकर के एक कैटलिस्ट बनाते हैं जिसे हम जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं, जो कि यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ एचडीपी के अंदर एट द प्रेशर ऑफ 6 to 7 atm एंड टेम्परेचर 333 Kelvin to 343 Kelvin बाई ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फ्रॉम मोनोमर ऑफ इथीन थ्रू एडिशन पॉलीमराइजेशन, राइट। बट एलडीपी इज ऑब्टेन्ड थ्रू द एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्रॉम द इथीन मोनोमर बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एट द टेम्परेचर 350 to 570 Kelvin एंड प्रेशर 1000 atm to 2000 atm इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डाइऑक्सीजन के ट्रेसेस एज परऑक्साइड इनिशिएटर ऑफ कैटलिस्ट। तो ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं 1-1 marks के अंदर, चाहे आप जेई मेंस का एग्जाम दें या एडवांस का एग्जाम दें, या आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां भी एलडीपी और एचडीपी के अंदर से जो इंटरनली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये आपका लास्ट टॉपिक है जो मैंने अभी कराया। पहला वाला जो डिफरेंस थे, जो मैंने 5 आपको बेसिक डिफरेंस कराए, ये आपको सीबीएसई एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलडीपी एंड एचडीपी। सिर्फ यही दिया जाएगा, आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन यहां से ये भी आ सकता है, जैसा कि आपको फर्स्ट डिफरेंस दिख रहा है कि जो एलडीपी है वो ब्रांच चेन पॉलीथीन होता है, इसीलिए वो क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाता सॉलिड स्टेट में, बट एचडीपी स्ट्रेट चेन पॉलीथीन होने की वजह से क्लोजली पैक्ड हो जाता है सॉलिड स्टेट के अंदर, राइट स्टूडेंट्स। ये पॉलीमर यूनिट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के थ्रू कॉमन है, मतलब एलडीपी हो या एचडीपी हो, दोनों का मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन ही है। क्योंकि ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर से फर्स्ट जो पहला ही लेक्चर है उसी के अंदर मैंने आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसे हम ग्रोथ चेन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको करा रखा है। आपको अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझना है तो इससे पहला वाला लेक्चर आप देख करके उसे इजीली वहां से समझ सकते हैं, और ये लेक्चर आपको एलडीपी और एचडीपी के डिफरेंस प्रोवाइड करा रहा है, जो कि दोनों ही एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू सेम मोनोमर से सेम मैकेनिज्म के थ्रू
अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर पर विद डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में फॉर्म होते हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो इस लेक्चर को केयरफुली देखिए, समझिए, लर्न कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि लॉकडाउन के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल की स्टडी को ले पाएँ या इस चैनल के थ्रू स्टडी कर पाएँ। गुड लक।